Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Yes students, Sun Academy Accelerate लाया है आपके लिए special scholarship test for NTU UGC NET candidates for paper 1. ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है इसकी क्या खास बात है, अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा रैंक गेन करते हैं तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा अन अकेडमी के अंदर। दैट मींस आपको आने वाले सेशन के प्रिपरेशन के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप अच्छे से इसके अंदर परफॉर्म कर पाते हैं। ये जो टेस्ट है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, 30th of January को ये होने वाला है, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसके लिए जल्दी से एनरोल कर लो, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑन 30th January 2022। इसके साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या आप अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप इस रेफरल कोड का फायदा उठा सकते हैं। रेफरल कोड क्या है, SHA FALI NTA शिफाली NTA। इस रेफरल कोड के थ्रू आप जो है अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक की फीस में 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो इस रेफरल कोड को अभी नोट डाउन कर लीजिए और चलते हैं अभी वीडियो के अंदर। हेलो माय एनटीयू यूजीसी नेट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो आंसर की चैलेंज करने का टाइम था वो अभी हाल ही में कल ही एंड डेट थी, कल तक हम उसे चैलेंज कर सकते थे 24 डेट तक, बट अब जो है वो 25 हो चुकी है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में आ गया है कि अब रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभी हमारे आंसर की चैलेंजिंग वाला जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मे भी हो सकता है कि रिवाइज्ड आंसर कीज पहले आ जाएं, दैट मीन्स फाइनल आंसर कीज, या हो सकता है कि डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट आ जाए। क्योंकि पहले की अगर हम NTA की हिस्ट्री की बात करें, दिसंबर 2019 की बात करें तो रिजल्ट पहले दिया था उन्होंने, और इसी तरीके से जून 2020 की बात करें तो पहले आंसर कीज हमारे पास आ गई थी, फाइनल आंसर कीज। अब हो सकता है मे बी हमें एक साथ ही ये दोनों जो है वो देखने को मिल जाए। तो कितना टाइम लगता है वैसे रिजल्ट आने में, जब हमारा इस तरीके से प्रोविजनल आंसर कीज का जो चैलेंज है वो टाइमिंग ओवर हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर प्रॉपर हमारे पास लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है उसके लिए, ठीक है। तो हम एक पीरियड लेके चलते हैं 15 दिनों का, 15 डेज का। 15 डेज के अंदर हम एक आइडिया लगा कर ले जाते हैं कि भाई इतने टाइम के अंदर तो पक्का ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अब रिजल्ट कब तक आने की चांसेस हैं, तो देखिए यहाँ पर हो चुकी है आज 25 तारीख, 6 दिन हमारे जनवरी के अंदर हैं, और उसके बाद हमें लगभग 9 दिन के अंदर हम आइडिया लगाएं कि फरवरी के यूज़ होंगे, तब हमारे 15 दिन बनते हैं, है ना। तो दैट मींस आप एक डेट यहां से इस वीडियो के थ्रू लेके जा सकते हैं, 10th of February तक आपका रिजल्ट जो है वो फाइनली आ जाएगा। कट ऑफ कह लो, रिजल्ट कह लो, जो फाइनल अपडेट्स आपको चाहिए कि आपका नेट या JRF क्लियर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रॉपर रिजल्ट 10th February तक आ जाएगा। हम यही आशा करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं यही उनके लिए प्रे करूंगी कि उनका रिजल्ट जैसा वो चाहते हैं, वो नेट चाहते हैं, JRF क्रैक करना चाहते हैं, उनका वैसा ही रिजल्ट उन्हें मिले। और एक खुशी की बात यहाँ पर ये है, कई स्टूडेंट्स जो है अभी निराश है कि भाई अभी हमारा रिजल्ट के मार्क्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम भी बन रहे हैं मान लीजिए, तो उनके लिए खुशी की बात ये है कि बहुत से क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्रोविजनल आंसर कीज के बदले में जो फाइनल आंसर कीज है उसमें बहुत से चेंजेस हों। तो आशा करते हैं कि आप वो चेंजेस जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव रहें और आपके लिए अच्छे मार्क्स बनाकर लेकर आए। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना जो जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और यस बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।